मंदिर ये तोड़ा है बनारस का जी, ये है एक मथुरा का है, वो केशव राय का बहुत बड़ा टेम्पल था, वीर सिंह बुंदेला ने बनाया था जहांगीर को। सवाल ये है कि कोई चीज़ जो 1670 में बन गई हो उसे आप तोड़ सकते हैं? राणा कुंभ का एक बड़ा मीनार है चित्तौड़ में, उसके ऊपर लिखा हुआ है अल्लाह 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 अरबी में, तो क्या वो मस्जिद हो गई? इतना सही है कि औरंगजेब ने मंदिर तोड़ा है जी जी। तो औरंगजेब के मुगल जमाने में ऐसा तो नहीं कोई चुप के काम हो, मौजूद है तारीख मौजूद जी जी। ये कि शिवजी का मंदिर था ये नहीं है जी जी। ये तो अब जब से वो शिवलिंग का मिला जब शिवजी का हो गया, वरना तो उन्होंने दूसरे देवताओं के नाम दिए थे। जब भी मस्जिद बनती है या पुराना मंदिर बनता है, आपको मालूम है कि बुद्ध विहारों के बहुत से पत्थर मंदिरों में मिलते जी, तो क्या उन्हें तोड़ दिया जाएगा मंदिरों को? जी, तो बेवकूफ़ी की बात है। अगर ये माना जाए तो बहुत से बड़े मंदिर हिंदुओं के टूट जाएंगे क्योंकि उनमें विहार। तो हिस्ट्री में सर औरंगजेब ने इसको तोड़ा था ये मतलब स्पष्ट है? मंदिर ये तोड़ा है बनारस का जी, ये है एक मथुरा का है, वो केशव राय का बहुत बड़ा टेम्पल था, वीर सिंह बुंदेला ने बनाया था जहांगीर को जी जी। तो ये दो मंदिर इसमें कोई दो राय नहीं। सवाल ये है कि कोई चीज़ जो 1670 में बन गई हो उसे आप तोड़ सकते हैं? इसको ये जो हिंदुस्तान का मॉन्यूमेंट्स एक्ट है उसको सर, जो औरंगजेब ने जब तोड़ा था तो मंदिर था ये सर? मंदिर ही मान के तोड़ा, एक मथुरा में तोड़ा, मथुरा में बहुत मंदिर थे उसमें भी एक तोड़ा, लेकिन केशव राय का बहुत बड़ा मंदिर था इसमें शक नहीं, लेकिन बना वो जहांगीर के ज़माने में था, जहांगीर का बड़ा अफसर था वो। बनारस में जो मंदिर तोड़ा था वो कितना पुराना था मुझे नहीं मालूम, हो सकता है नया हो इसलिए तोड़ा, क्योंकि मुसलमान इसमें औरंगजेब ने ये कहा था कि नए मंदिर ज़ाहिर है कि इतनी सल्तनत में हर जगह मंदिर बन रहे थे लेकिन बनारस का तो इसलिए हो गया कि 1992 में वो मस्जिद तोड़ दी गई। उसको चाहे कितना ही बुरा भला कहे, रास्ता साफ हो गया, नई चीज़ बना लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने हर जो इन्होंने बताए थे रीज़न वो गलत इनका शुमार किया कि उनको ये किसी ने नहीं अपनी तरफ से एक बिल्कुल नया निकाला जो कोई एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था। ये साबित नहीं होता कि मस्जिद में नमाज होती थी, तो अब वो तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको ज़मीन दे दी, अब ये हल एक चलता रहेगा। उन्होंने जो फाइल दायर किया मुकदमा वो तो आप जानते हैं, उसमें शिवलिंग का जिक्र नहीं था, ये था तो मैंने तो मालूम नहीं था, अब वो जो चीज़ें नहीं मिली कि वो शिवलिंग हो सकता है वो कर दी और कोई चीज़। लेकिन उसकी सट्टे में जो दीवार टूटी हुई है वो मंदिर है सर, उस पर मंदिर के चिन्ह हैं। नहीं भाई होगा तो इसमें, मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि इतने अगर मंदिरों में देखें तो पत्थर इस्तेमाल किए गए हैं जी, बाबरी मस्जिद में खुद इस्तेमाल किए गए पत्थर मंदिरों, बहुत सी मस्जिदें ऐसी होंगी जिनमें वही पत्थर पड़े हुए थे वो इस्तेमाल कर लिए, तो इसमें ऐसी क्या बात। तो जैसे मैं कह रहा हूँ अगर मंदिरों में तलाश किया जाए कि कितने विहारों के हैं तो बहुत से ऐसे मंदिर मिलेंगे बुद्धिस्ट विहारों के। राणा कुंभ का एक बड़ा मीनार है चित्तौड़ में, उसके ऊपर लिखा हुआ है अल्लाह 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 अरबी में, तो क्या वो मस्जिद हो गई? नीचे सब देवता हैं ऊपर अल्लाह लिखा हुआ है तो मस्जिद हो गई वो, बेवकूफ़ी की बात है। आप वहाँ जाके चित्तौड़ का तो बहुत मशहूर है, राणा कुंभ का मीनार है वो ऊपर 5 मंजिल का है, ऊपर जो है वो अल्लाह अल्लाह लिखा हुआ है अरबी में, नीचे सब देवता है, तो मुसलमान कहेंगे कि ऐसे मस्जिद है हमें भी।